आने वाली 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसी बीच देश भर में न्योते भेजे जा रहे हैं। राम मंदिर कमेटी के द्वारा कांग्रेस को भी न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया, जिसे भाजपा के द्वारा सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि आज से लगभग 73 साल पहले जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने से रोका था, जिसकी वजह से उनके बीच में मतभेद शुरू हो गए थे। आज हम आपको उसी घटना के बारे में, सोमनाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की उस घटना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस पर राम विरोधी होने का आरोप लगाया है। 7 दशक पहले की याद दिलाते हुए उसने पूरे मामले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी लपेट लिया है। तब नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने से रोका था। दोनों के बीच इसे लेकर खुलकर मतभेद सामने आ गए थे। क्या था वो किस्सा, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल बात 7 दशक पहले की है। माहौल लगभग अभी जैसा ही बन गया था। तारीख थी 11 मई 1951। गुजरात में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करना था। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आक्रमणकारियों ने कई बार इस मंदिर को तहस नहस किया था। औरंगजेब के आदेश पर इसे ढहा दिया गया था। आजादी के बाद इसका दोबारा पुनर्निर्माण हुआ। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका श्रेय दिया जाता है। बता दें कि 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही मंदिर में ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था। कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने पर नेहरू ने आपत्ति जताई थी। नेहरू ने इसमें शामिल होने से साफ मना कर दिया था। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखकर नाखुशी जाहिर की थी। साथ ही उनसे ये भी कहा था कि वे भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करें। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम से करीब 3 महीने पहले नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी 13 मार्च 1951 को लिखी गई थी। उन्होंने लिखा था कि अगर आपको लगता है कि निमंत्रण अस्वीकार करना आपके लिए सही नहीं होगा, तो मैं दबाव नहीं डालूंगा। नेहरू ने लिखा कि प्रसाद की सोमनाथ मंदिर यात्रा राजनीतिक महत्व ले रही है, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, लिहाजा उन्हें इसमें नहीं जाना चाहिए। दरअसल नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। नेहरू को लगता था कि इससे जनता में गलत मैसेज जा सकता है। इसी के चलते नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति को रोकने की कोशिश की। ये बात और है कि प्रसाद ने नेहरू की एक नहीं सुनी और सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। नेहरू की चिट्ठी के जवाब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एक पत्र लिखा था। प्रसाद ने लिखा था कि मैं अपने धर्म को बहुत मानता हूं और इससे खुद को अलग नहीं रख सकता। फिर न केवल वे उद्घाटन में शामिल हुए, अलबत्ता कार्यक्रम के अनुसार शिवलिंग की स्थापना भी की। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा था। इसे लेकर उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा था। गांधी ने इस प्रस्ताव की सराहना की थी, लेकिन एक शर्त भी रखी थी कि इसमें सरकारी धन खर्च नहीं होना चाहिए। पटेल ने इस शर्त का अक्षरशः पालन किया था। तो ये था वो विवाद जिसे याद कर आज बीजेपी कांग्रेस पर वही आरोप लगा रही है, क्योंकि राम मंदिर का श्रेय बीजेपी को जा रहा है तो कांग्रेस उसमें आना नहीं चाहती और बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल चुका है। खैर, आपको सोमनाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की उस घटना के बारे में जानकर और वर्तमान के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हो रही इन गतिविधियों के बारे में जानकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।